कोटा राजस्थान राज्य की औद्योगिक राजधानी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चंबल नदी के किनारे बसा कोटा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेशम उद्योग के कारण पूरे भारत में जाना जाता है। 2017 में आई फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा दुनिया का 7वां और मुंबई के बाद भारत का 2रा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। कोटा भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए आते हैं। छात्रों की संख्या के अनुसार कोटा दुनिया का पहला सबसे ज्यादा स्टूडेंट वाला शहर भी है। तिरुवनंतपुरम के बाद कोटा भारत का 2रा ऐसा शहर भी है जहां पर दिन में 24 घंटे पीने का पानी घरों में आता है। कोटा शहर में मौजूद मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व भी है जहां पर जंगल सफारी के साथ साथ वाटर सफारी भी मौजूद है। इसके अलावा भारत की पहली जिला प्रमुख भी राजस्थान के कोटा से ही थी, जिन्हें हम छवि राजावत के नाम से जानते हैं। लगभग 570 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए कोटा शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोटा राजस्थान का 3रा और भारत का 46वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से कोटा शहर में 80% हिंदू, 15% मुस्लिम, 2% जैन व 3% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। कोटा जिला कुल 5 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें लाडपुरा, रामगंज, सांगोद, पीपलदा और दीगोद शामिल है। कोटा शहर की साक्षरता दर 82% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से कोटा राजस्थान का पहला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। कोटा शहर को राजस्थान का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ का IIIT कॉलेज, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, बंसल क्लासेस, एलन इंस्टीट्यूट आदि यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों ने भी कोटा शहर की राजस्थानी संस्कृति और यहाँ के रहन सहन को पूरी तरह से कैद किया है, जिसमें बदरी की दुल्हनिया, मर्दानी 2, कोटा फैक्ट्री जैसी कई बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्में शामिल हैं। सन 1575 के कालखंड में इस ऐतिहासिक क्षेत्र पर कोटिया भील नाम के एक आदिवासी का राज हुआ करता था। सन 1569 में राजा जेत सिंह ने आदिवासी राजा कोटिया को हरा कर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, परंतु राजा जेत सिंह राजा कोटिया की बहादुरी से इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने इस क्षेत्र का नाम राजा कोटिया के नाम पर कोटा कर दिया। इसके बाद सन 1624 के कालखंड में मुगल शासक जहांगीर ने राजा जेत सिंह को युद्ध में हराकर इस क्षेत्र को राजस्थानी राजा राव माधो सिंह के अधीन कर दिया। आवागमन के दृष्टिकोण से कोटा शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, कोटा शहर में कुल 3 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, कोटा जंक्शन, डकनिया तालाब और सोगरिया रेलवे स्टेशन, जिसमें से कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन, कोटा बीना लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ लाइन पर मौजूद है। पटना कोटा एक्सप्रेस, इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस, कोटा हिसार एक्सप्रेस और कोटा दामोह पैसेंजर जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ कोटा जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, शहर की 80 फीट लिंक रोड पर मौजूद है कोटा बस स्टेशन। कोटा शहर का ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर, पटना जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग, कोटा शहर के गुमानपुरा इलाके में मौजूद है कोटा एयरपोर्ट। लगभग 152 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह एयरपोर्ट अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है। कोटा शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी कोटा शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना कोटा शहर का भ्रमण अधूरा है। 7 वंडर्स पार्क, कोटा शहर के गायत्री विहार इलाके में मौजूद है 7 वंडर्स पार्क। अगर आपका भी बजट कम है और आप दुनिया के 7 अजूबों को एक साथ देखना चाहते हैं तो कोटा शहर का ये खूबसूरत पार्क आपको यहाँ आने पर मजबूर ही कर देगा। लगभग 50 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए इस पार्क को बनाने की कीमत लगभग 20 करोड़ आई थी। 2017 में आई बॉलीवुड की फिल्म बद्री की दुल्हनिया का चित्रांकन भी इसी पार्क में हुआ था। हैंगिंग ब्रिज,
कोटा शहर के सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाने वाला हैंगिंग ब्रिज शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में से एक है। ब्रिज का उद्घाटन आज से लगभग 5 साल पहले सन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। आज के समय में इस आधुनिक ब्रिज की सुंदरता देखते ही बनती है। रोज सुबह व शाम को यहाँ पर कोटा शहर के स्थानीय पर्यटक सेल्फी लेते दिख जाते हैं। जग मंदिर पैलेस कोटा शहर की किशोर सागर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है ऐतिहासिक जगमंदिर पैलेस। पैलेस का निर्माण आज से लगभग 280 साल पहले सन 1740 में कोटा शहर की दो रानियों के द्वारा करवाया गया था। बेशुमार लाल बलुआ पत्थरों से बने हुए इस पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज सुबह व शाम को स्थानीय पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कोटा बैराज कोटा शहर के बैराज रोड पर मौजूद कोटा बैराज शहर का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। पावन चंबल नदी के तट पर बसे कोटा बैराज को सन 1960 में स्थापित किया गया था। बैराज के आसपास कई सारे टी स्टॉल और मैगी पॉइंट भी मौजूद हैं, जहां पर आप आराम से बैठकर स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। शाम के समय का ढलता सूरज और चंबल नदी की पावन लहरें मानो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर आप भी एकांत में बैठकर शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो कोटा शहर का ये बैराज आपके लिए ही बना है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर मौजूद है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जिसका निर्माण आज से लगभग 18 साल पहले सन 2004 में हुआ था। लगभग 760 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ कोटा का ये टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में से एक है। इस टाइगर रिजर्व में लगभग 6 टाइगर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाली टाइगर, दलदली हिरण, जंगली तेंदुआ, बारासिंगा जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं। अक्वा ग्रीन्स वाटर पार्क कोटा शहर के नेशनल हाईवे 12 पर मौजूद अक्वा ग्रीन्स वाटर पार्क कोटा शहर का सबसे पुराना वाटर पार्क भी है। वाटर पार्क के अंदर कई सारी ऐसी भी वाटर स्लाइड्स भी मौजूद हैं जो आपको कुछ देर के लिए एडवेंचरस बना देंगी। अगर आप भी कुछ देर के लिए अपने पलों को यादगार बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आए। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा कोटा शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें चंबल गार्डन, एलनिया डैम, चरण चौकी, गढ़ पैलेस, माधो सिंह म्यूजियम, दाद देवी मंदिर, अभेड़ा महल, किशोर सागर झील आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।